हरिओम। अष्टावक्र गीता पार्ट 3 चैप्टर 3 प्रकरण 3 तीसरा अध्याय है अष्टावक्र द्वारा राजा जनक के आत्मज्ञान की परीक्षा। पढ़ाई करते हैं तो परीक्षा आती है ना, परीक्षा के बिना कोई भी नेक्स्ट क्लास में नहीं जाएगा। हमारी पढ़ाई ही नहीं है तो परीक्षा कौन लेगा। अगर हम सत्संग में आए हैं, कोई 40 साल 50 साल 60 साल में आता है और नर्सरी की क्लास में बैठा रहेगा तो नर्सरी के बच्चे को तो लॉलीपॉप दिया जाता है खेलने के लिए, उसकी कौन परीक्षा लेगा। हमारे लिए लॉलीपॉप माना मैं मेरा, मेरा घर, मेरे लोग, मैं मेरा, बस उसके आगे नहीं जाना है तो परीक्षा नहीं होती है। राजा जनक अंतर यात्रा बाहर से अलग से दिखाई देती है जबकि भीतर से उसकी प्रक्रिया एक सी होती है। अंदर से एक सी होती है, बाहर से अलग दिखाई देती है। अष्टावक्र भी कभी इन स्थितियों से गुजरे हैं। सोचो अष्टावक्र गुरु ऐसे ही बन गए, हमारे दादा लक्ष्मी भगवान ऐसे ही बन गए, दादा भगवान ऐसे बने, गुरु नानक ऐसे बने, लॉर्ड कृष्णा अवतार 24 अवतार है वो कैसे बने। आज ये कोई सीईओ बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, क्या ऐसे ही बने? कहाँ से शुरू करते हैं हम? शुरुआत तो करो। अभी चैनल आपके लिए खोला है, ये आपका चैनल है, आप हमारे हो, हम आपके हैं। कर लीजिए अपना उदार प्यारो। इसी वायरस के टाइम पे किटियाँ नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इसमें अपना कल्याण कर लीजिए। प्रकृति ने हमें मौका दिया है, इसमें समय मत गवाइए बातें करने में, गॉसिप करने से। उसके बजाय आप अपनी गीता पढ़िए, सत्संग सुनिए, और नहीं तो माला जप ही कर लीजिए, मेडिटेशन कीजिए। टाइम व्यर्थ नहीं जाएगा, कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। और कोविड के टाइम पे जो मौतें हो रही हैं, हॉरिबल मौतें हैं, गति ही नहीं होगी। एक बार घर से निकले पता नहीं वापस आना है कि नहीं आना है। ये हमको इतना अच्छा मौका मिला है, भगवान के बच्चे सारे बच जाएंगे। इसलिए ये यात्रा अंदर बाहर से, अंदर से अलग दिखती है, अंतर यात्रा बाहर से और अंदर से सेम होती है। अष्टावक्र भी कभी इन सारी स्थितियों से हर जन्म गुजरे थे जहाँ से जनक गुजर रहे हैं। गुरु पहचानता है, क्योंकि जब गुरु भी शिष्य था तो वो इन सब चीज़ों से गुजर रहा था। इसीलिए आज अष्टावक्र भी राजा जनक की स्थिति को जान रहे हैं, कृष्ण अर्जुन की स्थिति को जान रहे हैं, मिला रोपा अपने शिष्य की स्थिति को जान रहा है, मच्छेंद्र नाथ गोरखनाथ की स्थिति को जान रहा है, परमहंस विवेकानंद की स्थिति को जान, हर गुरु जान रहा होता है। जैसे हर सास जानती है मैं भी एक दिन बहू थी, यही सिस्टम चल रहा है पूरे संसार में। इसलिए ये रास्ते की कठिनाइयाँ, पल पल पर होने वाले भ्रमों के भ्रम भली प्रकार से जानते हैं। वे जानते हैं कि इस अवस्था के अनुभव के संसार में भी ऐसी आती हैं ये बातें, जहाँ सोचा हुआ सामने झलकने लगता है। अपने को सदा हुआ विचारों से सम्मोहित हो जाता है, ऐसे में विचारों को व्यवहार में टकराव की स्थिति पैदा होती है। ये बात ज्ञानियों सी लगती है, व्यवहार अज्ञानियों सा होता है। हमें व्यवहार भी ज्ञान की तरह हो, ये सब हमारे सत्संग में सीखा जाता है। कई लोग बोलते थे अभी हमारा शादी ब्याह में जाने को दिल नहीं है, तो हम बोलते थे जाइए लिफाफा दीजिए, फ़ोटो खिंचवाइए, वापस आ जाइए, अगर आपको खाना नहीं खाना है तो फोटो में आ जाएगा कि आप आए थे। सारे काम निपटाने होते हैं हमने, पहले हम काम को निपटाते नहीं हैं। एक इतनी अच्छी एक किसान की कहानी है, उसको कोई लोग चाहिए थे उसको काम करने के लिए, सभी बहुत अच्छा बढ़िया किसान था, समर्थ वाला, काफ़ी लोग आए, उन्होंने क्वेश्चन करे और किसी से तसल्ली नहीं हुई आंसर्स की। एक भोला भाला लड़का आया, उसने बोला कोई ऐसा आंसर दे दिया जिससे उसको तसल्ली हो गई, एंड ही सेज आई विल स्लीप व्हेन द रेन विल बी देयर।
तूफान आंधी रेन जब भी आएगा एंड आई स्लीप, मेरा यही तो। और उसको लगा ही कोई पागल लग रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है, किसी तरीके से उसने उसको रख लिया। एक दिन इतनी बारिश तूफान आंधी आई, इसको गुस्सा आया, ये लड़का कर क्या रहा है बाहर, गाय है, चारा है, वो लगे हैं सारे किसान जो बीज बोए हैं, क्या हो रहा है। देखा तो ये लड़का मजे से सो रहा था, उसके कमरे में गया। तो जब कमरे में गया तो उसने बोला, ये क्या कर रहे हो? बोलता, मैं तो सो रहा हूं, मैंने तुझे बोला था कि आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज, जब भी तूफान आंधी कुछ आएगा तो मैं सो सकता हूं। उसने बोला, आप देखिए, जाए जाके देखिए अगर मैंने कोई काम नहीं करा होगा तो। उसने देखा सारे काम कर चुका था। तो करने का मतलब, जब परेशानी आएगी काम करने की जरूरत नहीं है। लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं लेट्स सी व्हेन द विल क्रॉस द ब्रिज ओवर, वाटर विल क्रॉस द ब्रिज विल थिंक इट ओवर, कुछ ऐसा बोलते हैं, पानी सर से ऊपर चढ़ जाएगा हम सोचेंगे जब जरूरत पड़ेगी, है ना। ऐसी बातें लोग करते हैं, वो कौन करते हैं, आलसी नंबर वन। हम विचारशील बने, दूरदर्शी होना चाहिए हमें, कल की सोच रखी होती है। जो भी बड़े बड़े लोग बने हैं, सोचा है, 4 घंटे सोए हैं, 20 घंटे उन्होंने सोचा है, काम करा है, सोच ही नहीं डालोगे। भगवान ने शरीर अपने जैसा बनाया है, बुद्धि बोला है खुद यूज कर, नहीं तो तू आलसी हो जाएगा। इसलिए बुद्धि को यूज करो, वो ऐसे ही शमशान में चली जाएगी। उस किसान के, उसने लड़के ने सब काम निपटा डाला हुआ था, और किसान भी देख के हैरान हो गया कि वाह, ऐसे भी लोग हैं धरती पे। और ही सेज आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज, बुरे टाइम आने से पहले भी हम संभल गए होते हैं, हमने सब काम निपटा लिए होते हैं, और आज देखो उसका फल खाते हो बैठ के। हम ज्ञान तो सुनते हैं, व्यवहार अज्ञानियों सा करते हैं, इसलिए गुरु चाहिए होता है। गुरु हमें हर पल हर जगह बचाएगा, लेकिन मुझे शिष्यत्व प्राप्त होना चाहिए। गुरु की कब सुनोगे, जब तुम एक अपनी मन बुद्धि बंद करके शिष्यत्व को प्राप्त होगे, गुरु पे विश्वास होगा कि वो जो बोल रहा है वो ठीक ही होगा। तो तब हम अज्ञानियों जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। जनक के अनुभवों को सुनकर अष्टावक्र अंदर झांकने को कहते हैं। वे इस तरह के प्रश्न पूछते हैं जिनका जवाब वही दे सकता है जिसके सभी मोह सारे समाप्त हो गए हैं। अगर हमारा कहीं भी कोई अटक है, आसक्ति है, तो हम ये जवाब नहीं दे सकते। जिसे संसार का स्पष्ट रूप दिखाई दे रहा है, वहां तुम्हें सोच विचार की जरूरत नहीं पड़ती। अष्टावक्र जनक से पूछते हैं, जिन गुणों को पहले से तूने विचार पूर्व ग्रहण किया हुआ था, अब वे सहज रूप में प्रवाहित हो। गुण गुण में वर्तते हैं, गीता का 15वां अध्याय है, कृष्ण ने अर्जुन को बोला हुआ है, गुण गुण में वर्तते हैं। इसीलिए जब हम सत्संग में आते हैं, स्वभाव संस्कार बदलने, हेरिडिटी, दादा नाना नानी दादा दादी, 3 पीढ़ियों के हमको स्वभाव संस्कार बदलने हैं, हम वही आगे हेरिडिटी, क्या बीमारियाँ होती हैं, हेरिडिटी स्वभाव है, वही करेंगे। आज हमको ये खून की बॉटल बदलनी है और गुरु के खून की बॉटल चढ़ानी है, प्योर प्योर फॉर्म में। वही स्वभाव संस्कार हम सत्संग में भी सब जगह लगाते हैं, क्योंकि अपने को बदलते नहीं हैं। गुरु हमें सब जगह से बचाएगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हर चीज़ देखो, समर के बाद क्या आता है, विंटर, विंटर के बाद क्या आता है, रात के बाद क्या आता है, दिन, दिन के रात, बदल रहा है सब कुछ। ये भी बदल जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। ऐसा डर है, भय है, हम सत्संग सुन के अपनी कॉन्शियस को, अपनी चेतना को ऊंचा बनाए, मनोबल ऊंचा बनाए। आगे गुरु बैठा है, परमात्मा बैठा है, हमारा सब, हम एक अच्छी चेतना है, तन मन धन से लगे हुए हैं। खुद क्वेश्चन करिए, आप यूट्यूब पे भी करिए, इसी में आपका फोकस हो जाएगा, आपका संसार से मन हटेगा। नहीं तो दूर दरार आप लोग लगे हुए हो, आप लोगों से दूर दूर तक जुड़े हो, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग का मानना, अंतर्मुखी हो जाओ, अपने अंदर चले जाओ। संसारी उन गुणों को विचार पूर्व धारण करता है, जबकि आत्मवेत्ता कौन होता है, वो अपना आचरण कैसा बनाता है।
संसारी जैसे विचारों से टूटता है उसका असली व्यक्तित्व मुखर हो उठता है। आत्मज्ञानी के व्यवहार में समरसता रहती है क्योंकि उसने कुछ ओढ़ा नहीं है, संसारी ने और चादर ओढ़ी है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। किशमिश कैसी होती है? अंदर बाहर सेम, हमको अंदर बाहर सेम रहना है। अभी तो कोई आएगा ही नहीं आपके दरवाजे पे, आगे कोई दरवाजे पे आता जो होल लगा होता है हम देखेंगे तो हम मुंह चढ़ाएंगे, वो वाई दिस पर्सन हैज़ कम, अभी कौन आएगा। ऐसा कर करके भगवान ने बोला इन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग करा दो, लोग रहे ही नहीं। जो पहले नॉर्थ में तो ये था आओ जी खाओ जी, ऐसे गले मिल रहे हैं, आज खत्म। याद करो उन अपनी पुरानी बातों को, हमारे दादी नाना नानी सब जब जिंदा थे कैसा इंसान कैसा था संसार। आज ना शादियां होंगी, 2 लोग 20 लोग जाएंगे, 10 लोग जाएंगे शमशान में, 10 साथ में जाएंगे, क्या? क्योंकि इंसान ऐसा बन चुका था, परमात्मा ने कुछ नहीं करा है, वायरस ने कुछ नहीं करा है, हम ऐसे बन चुके थे। सोचिए कभी अकेले बैठ के, देखो क्यों है कलयुग की ऐसी मार क्यों पड़ रही है, हम ऐसे ही थे। अभी कितना काम टल गया बाहर मॉल्स में, किचियों में, जगह जगह जाने में, भगवान ने कितना फ्री टाइम दिया है आपको। इसमें घर वालों की सेवा करनी है, उनको हर टॉपिक आपको दे रही हूँ, कोविड के टाइम पे कैसे जीना है हमने। घर वालों को बचा लो, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, ये 2-4 महीने ऐसे हैं, इसमें और केयरफुल रहो, खाने पीने का भी सब कुछ, कितना बड़ा काम है प्यारो। शिष्य जिज्ञासु होता है, गुरु उसकी जिज्ञासा को जान लेता है, फिर प्रश्नों का उत्तर देता है। पहले जनक के प्रश्न थे, उत्तर देने वाले महर्षि अष्टावक्र थे। शिष्य ने सुना और उसके जीवन में वो सब घटना घट गई। शायद गुरु को भी इस बात की उम्मीद ना थी कि ऐसा हो जाएगा। शिष्य ने जो अनुभव किया उसे गुरु ने उसके सामने रख दिया, उसके पर उसमें जो परिवर्तन आया, चेंज आई, उसको देख के गुरु भी खुश हो जाता है। गुरु ने सुना और परखने के लिए प्रश्न पूछा। गुरु परखना चाहते हैं, सबकी परीक्षा होती है इस रास्ते, लेकिन हम देना नहीं चाहते, हम फिर वापस चले जाते हैं। घर वाले परीक्षा लेते हैं तो उधर बैठे रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, गुरुओं के घर भागते हैं, जब वो परीक्षा ले तो घर भाग जाते हैं वापस, जो मैंने ये काम नहीं करा था इसलिए आज आपको दे रही हूँ। गुरु शक्ति देता है, 33 करोड़ देवता शक्ति देते हैं, 24 अवतार हमारे साथ होते हैं, 5 तत्व धरती आकाश सारे हमारा साथ देते हैं, 10 महाविद्याएं सारी देवियाँ हमारे साथ होती हैं। तुम निकलो तो सही, बोलो तो सही, यस दिस इज माई लास्ट बर्थ ऑन दिस अर्थ, नहीं होता है। उसमें बहुत परीक्षाओं से राजा जनक परीक्षा से गुजर रहे हैं। गुरु ने सुना और परखने के लिए तैयार हो गए। सुना सुनाया ही तो था जो गुरु शिष्य बोल रहा था, गुरु को वो भी नहीं चाहिए। उसे गुरु पकड़ लेता है अगर उसने सुना सुनाया जवाब दिया हो। खिलाड़ी एक नज़र में जान जाता है कि सामने वाले की खेल पर पकड़ कितनी गहरी है। इतनी नज़र होनी चाहिए हमारी, हमें देखना चाहिए कि सामने वाला मेरे से कितना स्ट्रांग है। इसलिए बोलते रिस्पेक्ट योर मास्टर। आपको आज ही बदलना होगा, मैं आपको बोल रही हूँ, चैलेंज कर रही हूँ, आज ही बदलना होगा। कल हमको पता नहीं है इससे बड़ा वायरस कौन आ जाए। लॉकडाउन लॉकडाउन में रहोगे प्यारो, ऐसा सुंदर बन जाओ कि हमारे आसे पासे वायरस का कोई कण भी ना अंदर आने पाए। आज ही बदल जाओ, इसको सुन के रख दोगे, चल पड़ोगे संसार में, फिर संसारी फोन आ गए और आप उसमें बिजी हो गए। गुरु तुम्हें वहां से निकालेगा जहां तुम्हारी आखिरी सांस तक होगी तुम्हें ठीक करने के लिए। धृतराष्ट्र, जब मैंने पहले भी बताया है, जब उसने भीम को बुलाया था उसके अंदर आग लगी हुई थी बदले की, और उसमें गुरु कौन है? कृष्ण। उसने क्या करा? पुतला बना के आगे रख दिया। पता है गुरु को, पता है तुम्हें पता नहीं है। भीम को नहीं पता था, भीम जा रहा है उसको मिलने के लिए, लेकिन गुरु की आंख है, उसने पुतला रख दिया, तोड़ डाला, ऐसे भीम को तोड़ डालना था उसने, धृतराष्ट्र ने, और गुरु ने रोक दिया, भीम पुतला ले जाओ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। रिस्पेक्ट योर मास्टर, सोचो क्या होता है, उसके पास क्या आंख होती है। ऐसा माहौल बनाओ अपने को, क्रिएट करो।
अध्यात्म का माहौल बनाओ अपने घर में, अपने योगियों को कई बार बोलो जब अच्छे मूड में है, हस्बैंड्स को देखा मैं कौन सी वाइफ मिली हूँ आपको, सोच सकते हो कोई ऑर्डिनरी औरत होती जिसका कोई गुरु नहीं है तुम्हारा घर क्या होता। आंखें बंद करो अपने खानदान में देखो किसी को ऐसा ब्रह्मज्ञानी गुरु नहीं मिला है, वो भी बात वो बोलेंगे नहीं कुछ सामने लेकिन अंदर में उनके बात जाएगी। करिए ऐसा काम जो मैं बोलती हूँ आपको, ठीक है? इसका कंटिन्यू अगला भाग होगा। हरिओम, गॉड ब्लेस यू ऑल।